हे गाइस, वेलकम टू माई चैनल, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। आज आपको लेकर जा रही हूँ कॉलेज स्ट्रीट में है इंडियन कॉफ़ी हाउस, और ये है पुराना वाला इंडियन कॉफ़ी हाउस गाइस, द फेमस वन। इससे पहले मैं आपको कॉफ़ी हाउस ले जा चुकी हूँ जो कि नया बना है, इसी का कॉपी करके बना है एक्चुअली इन न्यू टाउन। अगर वो ब्लॉग आपने चेकआउट नहीं किया तो जाइए उसे भी चेकआउट कीजिए। आज हूँ इंडियन कॉफ़ी हाउस कॉलेज स्ट्रीट में, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के सामने स्थित एक कैफ़े है जो कोलकाता में इंडियन कॉफ़ी हाउस की सबसे प्रसिद्ध शाखा है। यह लंबे समय से प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय और कॉलेज स्ट्रीट में अन्य संस्थानों के बुद्धिजीवियों और छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए एक नियमित रूप से घूमने और एक प्रसिद्ध बैठक स्थान जिसे अड्डा कहा जाता है वो रहा है। इसने कोलकाता के सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे बौद्धिक बहसों के केंद्र के रूप में जाना जाता है। कॉलेज स्ट्रीट में कॉफी हाउस का इतिहास अल्बर्ट हॉल में खोजा जा सकता है, जिसकी स्थापना अप्रैल 1876 में हुई थी। यह अल्बर्ट हॉल बैंक ऑफ बंगाल के कोषाध्यक्ष और बैंक के सचिव राम कमल सेन का प्राथमिक निवास था। 19वीं सदी में शुरुआत में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता था। बाद में कॉफ़ी बोर्ड ने 1942 में अल्बर्ट हॉल से कॉफ़ी जॉइंट शुरू करने का फैसला किया। उल्लेखनीय नागरिक इस जगह पर अक्सर आते थे। 1947 में केंद्र सरकार ने जगह का नाम बदलकर कॉफ़ी हाउस कर दिया। यह स्थान कवियों, कलाकारों, साहित्यकारों और कला और संस्कृति की दुनिया के लोगों के लिए एक मिलन स्थल बन गया। 1958 में प्रबंधन ने कॉफ़ी हाउस को बंद करने का निर्णय लिया, लेकिन उसी वर्ष प्रेसिडेंसी कॉलेज और कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा विरासत स्थल को बचाने के लिए सरकार को एक विशेष याचिका दायर करने के बाद इसे फिर से खोल दिया गया। 2006 में एक बड़ी वित्तीय कमी ने सहकारी समिति को कॉफ़ी हाउस के नवीकरण का कार्य करने से रोक दिया। हालांकि एशियन पेंट्स जैसी कुछ कंपनियां रेस्तरों के नवीनीकरण के प्रस्तावों के साथ सोसाइटी से संपर्क किया, मानदंडों और शर्तों के टकराव के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। 2020 कोविड-19 महामारी के दौरान हाउस को 103 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था और 2 जुलाई 2020 को अपना सामान्य संचालन फिर से शुरू कर दिया गया। मन्ना डे द्वारा गाए एक प्रसिद्ध गीत में कॉफ़ी हाउस को स्मारक बनाया गया है, जिसका शीर्षक है कॉफिस हाउस एयरशी अड्डा आजार नहीं, वह कॉफ़ी हाउस अड्डा अब चला गया है। साथ ही आधुनिक गायक नचिकेता चक्रवर्ती का लोकप्रिय गीत कॉफ़ी हाउस अज बोचोर दोष पोर दीर्घो श्वास कोरे भोर भी कॉलेज स्ट्रीट कॉफ़ी हाउस में सुनहरे अतीत के क्षणों की यादों पर बनाया गया है। इसने युगों से प्रसिद्ध कॉफ़ी हाउस की विरासत को संरक्षित किया है। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। तो आज मैं तो आ गई यहाँ, आप भी अगर कोलकाता में हैं तो चले आइए इंडियन कॉफ़ी हाउस कॉलेज स्ट्रीट में। आप किसी को भी बोलेंगे आप बिल्कुल सही लोकेशन पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, इवन गूगल मैप्स भी सही लोकेशन बताता है। तो कॉलेज स्ट्रीट में बुक्स की शॉपिंग कीजिए और फिर इंडियन कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी और यहाँ की जो डिशेज़ हैं वो इन्जॉय कीजिए, वो भी बिल्कुल कम दामों पर।